Subscribe under 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससीएड डबर में, आपके सामने हाजिर हूँ आज साइंस की क्लास लेकर। तो दोस्तों, अभी दीपावली का समय है, दीपावली की छुट्टियां चल रही है, फिर भी आप लोगों के लिए हम लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है कि ताकि आप लोग दिवाली के अवसर पर भी पढ़ सकें और कुछ जानकारी आप हासिल कर सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा, है ना, जिसमें कि हम लोग साइंस के कई सारे मतलब ऐसे सवाल को हल करेंगे, ऐसे सवाल को देखने वाले हैं जिसमें कि इन्वेंशंस, यानी जो इन्वेंशंस एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से रेलवे के अंदर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि एक सवाल तो निश्चित ही इन्वेंशन से पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्वेंशन से पूछे गए जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि रेलवे ने अभी तक पूछ रखे हैं, उन सवालों के साथ यहाँ पर मैं आज आपके पास आया हूँ। तो फटाफट जल्दी से हम लोग आज के जो सवाल हैं उन सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला सवाल कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टेलीफोन, कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये सवाल है पहला। और याद रखेंगे ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, फ्रिट्ज फ्यूलर फ्लूएमर, और उसके बाद पैवल सेलिंग और मार्कोनी, ये चार ऑप्शन हैं, आप लोगों को जवाब देना है। फटाफट आप लोग सभी लोग जवाब देंगे कि टेलीफोन की खोज किसने करी है, जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग जवाब देंगे कि टेलीफोन की खोज किसने करी। तो याद रखेंगे दोस्तों, नाम में ही लगा हुआ है बेल, कहते हैं ना कि बेल बज रहा है, बेल बज रहा है, तो मतलब ये जो बेल है, याद रखेंगे ये बेल वर्ड ही कहां से आया है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से, यानी कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जब लोग दोस्तों हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जो हार्ट का साउंड होता है दैट इज लब डब, ये जो लब डब साउंड होता है हर्ट का, वो साउंड जो है उसको जब सुनते हैं तो साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न वही पूछा गया, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है रीन लेनिक, स्टीव शेंसन, उसके बाद मार्टिन कूपर या डेव हयात। तो आप लोगों को पता है इसका जवाब, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रीन हयात, जो रीन आपका लेनिक है, रीन लेनिक, ये इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है। इन्होंने ही खोज करी थी किसकी, स्टेथोस्कोप की, आपको ये हमने बताया था, क्लियर है पॉइंट। तो दोस्तों यहीं से आप याद रखेंगे, आपको प्रश्न हमारा, आपसे प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे कि स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के किस प्रिंसिपल पर, किस गुण पर काम करता है, आप लोग ये जवाब में बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने ईमेल का आविष्कार किया था, ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आप लोग ये बताएं। ऑप्शन है आपके पास राल्फ एच बायर, ऑप्शन है विंट सर्फ, ऑप्शन है आपका स्टीव जॉब्स, या ऑप्शन है आपका शिवा अय्या दुराई। फटाफट जवाब दीजिए, ईमेल यहां पर पूछा गया है। अगर आपसे याहू मेल का पूछा जाता, याहू का आविष्कार किसने, तो समीर भाटिया, ये आप याद रखेंगे। गूगल का पूछा जाता तो लैरी पेज, फेसबुक का तो मार्क जुकरबर्ग, है ना, इसी तरह। तो इसका सही जवाब जो ईमेल का है, ईमेल का सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका है राल्फ एच बेयर, है ना, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट उत्तर। जब हम लोग विंट सर्फ की बात करते हैं दोस्तों, तो विंट सर्फ ने किसकी खोज करी थी, इन्होंने इंटरनेट की खोज करने वाले थे विंट सर्फ, इसलिए यहां पर जब कहते हैं क्या इंटरनेट सर्फ, है ना, तो सर्फिंग जो वर्ड आया इसी विंट सर्फ से। और याद रखेंगे दोस्तों, इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका पूरा मतलब होता है, इसका पूरा मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्लियर है यहां तक। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
यहाँ पर सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका कंप्यूटर पे जब आप कोई नया वेब पेज खोलते हैं तो वहाँ पर आपको जो www लगाना पड़ता है, तो ये www जिसका पूरा मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने खोजा है? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, राल्फ एचबर, पर्सी स्पेंसर या इवेंजेस्टिला टॉर्सेली, या जिसे हम लोग ई टॉर्सेली भी कहते हैं। तो इसका आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको पता है, इसका सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम है इसका? टिम बर्नर्स-ली, ये इसका सही उत्तर है। क्लियर है पॉइंट? और दोस्तों जब आपसे ये पूछा जाए कंप्यूटर को किसने खोजा है, तो कंप्यूटर को खोजने वाले आप लोगों को पता है उनका नाम क्या है, चार्ल्स बैबेज। किसने खोजा है कंप्यूटर को? चार्ल्स बैबेज ने, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाई, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मार्कनी, फ्रिट्ज फ्लूमर, आपका ज़ेलबेर्ड या फिर हेनरिक हॉड्स। फटाफट जवाब दीजिए। रेडियो आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी बार, रेडियो में पहले रेडियो में ही गाने आया करते थे, तो इस रेडियो की खोज किसने करी थी ये बताइए। आप लोगों को पता है इसका जवाब, बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो रेडियो की खोज दोस्तों किसने करी है? मार्कोनी ने। किसने करी है? मार्कोनी, यानी कि इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए। और जो मार्कनी है, मार्कोनी, अगर आपसे ये पूछा जाए रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों की खोज किसने करी, तो भी याद रखेंगे किसने करी है, मार्कोनी ने ही रेडियो तरंगों की भी खोज करी है, आप याद रखेंगे। रेडियो वेव्स की भी खोज करने वाले कौन हैं, तो वो भी मार्कोनी ही हैं, आप इससे भी याद रखना है। जब यहाँ पर जो ज़ेलबेर्ड है, ज़ेलबेर्ड ने बेटा किसकी खोज करी है? ज़ेलबेर्ड ने, याद रखेंगे, टेलीविज़न यानी जो टीवी आप देखते हैं, टेलीविज़न की खोज किसने करी है? ज़ेलबेर्ड ने करी है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। हु इन्वेंटेड रडार, रडार की खोज किसने करी? ऑप्शन है आपके पास हेनरी बैक्वरल, मैक्स प्लैंक, रॉबर्ट वाटसन वर्ट या हम्फ्रे डेवी। रडार की खोज किसने करी? ये रडार दोस्तों एक यंत्र होता है जिसका पूरा मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इस रडार का पूरा मतलब होता है। कई बार तो दोस्तों इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ देते हैं कि रडार का पूरा मतलब क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और कई बार पूछा जाता है रडार की खोज किसने करी, तो याद रखना है रडार की खोज आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोग बेहद होशियार हैं। रडार की खोज करने वाले थे, याद रखना है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किसकी खोज करी थी दोस्तों? इन्होंने खोज करी थी किसकी? रडार की। तो इसका सही जवाब जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट वाटसन वॉट। जब हेनरी बैक्वरल की बात करते हैं, हेनरी बैक्वरल ने दोस्तों किसकी खोज करी थी? इन्होंने खोजा था रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो सक्रियता को, जिसको मेजर किया जाता है, रेडियो सक्रियता के दर को मेजर किया जाता है गीगर म्यूलर काउंटर से। क्लियर है पॉइंट? तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, वल्कनाइज्ड रबर वॉज इन्वेंटेड बाय, देखिए रबड़ जो हम लोगों ने पढ़ा है, रबड़ जो है सबसे पहले याद रखेंगे किसका एक बहुमूलक है, ये है आइसोप्रीन का। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, और अभी हाल में बीपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा था, रबड़ किसका एक बहुमूलक है, तो रबड़ बहुमूलक किसका है? आइसोप्रीन का। ठीक है ना, रबड़ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो यह पाया जाता है पौधे के लैटेक्स नामक, उससे प्राप्त किया जाता है। क्लियर है ना, आपसे यह पूछा गया है वल्कनाइज्ड रबड़, तो वल्कनाइज्ड रबड़ की जब बात करते हैं दोस्तों, तो वल्कनाइज्ड रबड़ की खोज करने वाले थे चार्ल्स गुडियर,
और इसका यूज कहाँ पर होता है ना, रबर वाले जो टायर होते हैं ना, वो वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका, वल्कनाइज्ड रबर का। और आपको ये भी पता है वल्कनाइजेशन जो होता है रबर का, वल्कनाइजेशन या रबर के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो आपको ये भी पता है रबर के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है सिल्वर सल्फर का, ये भी आपको पता है, गंधक का प्रयोग करते हैं रबर के वल्कनाइजेशन में। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए, यानी चार्ल्स गुड ए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, भाफ इंजन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाफ इंजन, कि भाफ इंजन का आविष्कार किसने किया, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। और बेटा ऐसे ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में इन्वेंशन से देखने को मिलते हैं कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है विलियम स्टॉक्स, जे लंडस्ट्रॉम, या फिर सर जोसेफ स्वैन, या फिर जेम्स वॉट। फटाफट जवाब दीजिए कि भाप इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जब भी स्टीम इंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा हमारे दिमाग में वॉट आता है, वॉट है ना, और याद रखेंगे यहीं से आप क्या, जेम्स वॉट। जो जेम्स वॉट है, जेम्स वॉट इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना है जो इंजन है इसे याद रखने का तरीका है आपका, इंजन है, इंजन की क्षमता को किस में मापते हैं, हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में मापते हैं, और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट। तो यहाँ आ गया क्या, वॉट, और वॉट से याद रखेंगे आप जेम्स वॉट। क्लियर है पॉइंट। तो जेम्स वॉट जो है इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि सही उत्तर है इसका जेम्स वॉट। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। द रिवॉल्वर, जो रिवॉल्वर है ना, वो रिवॉल्वर रानी वाला जो रिवॉल्वर जो रहता है, जिसे हम लोग आम भाषा में जिसे कट्टा भी कह देते हैं, है ना, ये जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाई, ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या सैमुअल कॉल्ट। फटाफट जवाब दीजिए, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, रिवॉल्वर की खोज किसने करी थी, है ना। यहाँ पर जो एडवर्ड जेनर है, इसके बारे में पता है आप लोगों को, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी दोस्तों, इसने चेचक के टीके की खोज करी थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसने पेनिसिलिन के टीके की खोज करी थी, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने प्रकाश भौतिक प्रभाव की खोज करी थी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और जो हम लोग बात करते हैं सैमुअल कॉल्ट की, तो सैमुअल कॉल्ट ने बेटा किसकी खोज करी थी, इन्होंने रिवॉल्वर की खोज करी थी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे सैमुअल कॉल्ट जो थे, इन्होंने ही रिवॉल्वर को खोजा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जितने भी यहाँ पर सवाल हैं, ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या और भी आपको इवेंट डे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। द न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज इन्वेंटेड बाय, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो आप लोगों को पता है, दैट इज़ अप्सरा। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वहाँ पर कौन सा वो होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है वहाँ पर, आप लोगों को पता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, होती है या नहीं होती है, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया भी है कई बार, ठीक है। तो ये जो भारत का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है दोस्तों, वो अप्सरा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा, किसने न्यूक्लियर रिएक्टर को इन्वेंट किया था। तो नाम में देखिए, एडवर्ड जेनर हम लोगों ने पढ़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा, यहाँ पर जो इसका सही जवाब है दोस्तों, दैट इज एनरिको फर्मी, है ना, एनरिको फर्मी जो है इसे, इसी ने किसकी खोज करी थी, इसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज करी थी। तो आप लोगों को ये भी पता है कि वन फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फर्मी एक प्रकार का डिस्टेंस का भी यूनिट है, तो और इसमें कितने मीटर होते हैं बेटा, 10^-15 मीटर होते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके आगे, अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इलेक्ट्रिक मोटर वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने करी है, ऑप्शन है माइकल फैराडे, ऑलिवर एवन, थॉमस एडिसन, या फिर
हॉर्स डे, हॉरिस डे। फटाफट जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर की खोज करी थी। मोटर याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोटर के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद कई सारे जो चीज़ें हैं, कई सारे मोटर, उसके बाद जनरेटर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की बात करी थी हम लोगों ने, तो इसकी खोज किसने करी है आप लोग बताएं। तो याद रखेंगे जो इलेक्ट्रिक मोटर है, सबसे पहले तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और याद रखेंगे यहाँ पर जो माइकल फैराडे साहब हैं, उन्होंने ही किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज करी थी। यानी कि इसका सही जवाब है माइकल फैराडे, इन्होंने ही ट्रांसफार्मर खोजा था, है ना। ट्रांसफार्मर की खोज करने वाले भी कौन थे, माइकल फैराडे साहब थे। क्लियर है यहाँ तक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर दोस्तों। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय। देखिए कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर की प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंटिंग प्रेस को किसने खोजा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है आपके अलग अलग एग्जाम्स में। मैरी एंडरसन, जोहान्स गुटेनबर्ग, जॉर्ज एंथिल या विक्टर एडलर, फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी है। और हर किसी बच्चे को इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी, यानी जोहान्स गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग आपको याद रखना है, जोहान्स गुटेनबर्ग जो है उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी थी, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। क्लियर है यहाँ तक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन के ऊपर। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो FM रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, FM रेडियो की खोज किसने करी थी, गेराल्ड पियर्सन, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग, डैरिल चैपिन या फिर कैल्विन सॉथर्न फ्यूलर। ये आपके ऐसे ऐसे ही नाम रहते हैं, है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और किसी कोई गलत उत्तर दे दें, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ से एक इन्वेंशन से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। और FM रेडियो की खोज करने वाले थे दोस्तों, याद रखेंगे, एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर आर्मस्ट्रांग बस आप याद रखेंगे ना, आर्मस्ट्रांग का मतलब क्या है, ये आर्मस्ट्रांग क्या है, आर्मस्ट्रांग से हम लोग क्या मापते हैं, वेवलेंथ मापते हैं। और वेवलेंथ किस में होगा, AM या FM जो मॉड्यूलेशन होता है वहां पर क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है ना। तो वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, आर्मस्ट्रांग में। इससे आप याद रख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग। और 1 आर्मस्ट्रांग में बेटा कितने मीटर होते हैं, तो याद रखेंगे 1 आर्मस्ट्रांग में 10^-10 मीटर। ये भी चीज़ याद रखनी है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। माइक्रोवेव ओवन वॉज इन्वेंटेड बाय, माइक्रोवेव आपने घर में यूज किया होगा या कहीं पर आपने देखा होगा माइक्रोवेव, जिसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो कैसे होता है, वो होता है कन्वेक्शन की तरह होता है, यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कन्वेक्शन होता है। वहां पर ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है दैट इज वर्टिकल हीट ट्रांसफर होता है उसमें, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि माइक्रोवेव की खोज किसने करी है, फटाफट बताइए, पर्सी स्पेंसर, विक्टर वैक्यूअर, जॉर्ज इनमैन या रैथयन, किसने माइक्रोवेव की खोज करी है, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो याद रखेंगे दोस्तों जो माइक्रोवेव ओवन है इसकी खोज करने वाले हैं पर्सी स्पेंसर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही माइक्रोवेव ओवन को खोजा था। यानी कि इसका सही उत्तर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन के ऊपर। ट्रांजिस्टर्स वॉज इन्वेंटेड बाय, ट्रांजिस्टर आप लोगों को पता है, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर को बनाने में किसका किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, सिलिकन जर्मेनियम का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के निर्माण में, यह आपको याद रखना है, है ना। यहाँ पर यह पूछा गया है ट्रांजिस्टर्स की खोज किसने करी है,
जो पीएन, एनपीएन, पीएनपी कई तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, और ट्रांजिस्टर का जो निर्माण किया जाता है, डोपिंग वगैरह होती है उसमें, क्या होती है हम लोग देखने वाले हैं जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर वहाँ पर। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को खोजा किसने है ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है विलियम सॉकले, लीजा मेटनर एंड जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑटो हॉर्न और जॉन बर्डेन या वॉल्टर ब्रैटन, कौन सा सही उत्तर है। तो याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे सवाल। ये सारे सवाल जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे सवाल आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के सवाल से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है जॉन बर्डेन, यानी कि डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये आपका करेक्ट उत्तर है। जॉन बर्डेन या और वॉल्टर ब्रैटन, इन्होंने ही ट्रांजिस्टर की खोज करी थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों ऑटो हॉर्न के बारे में याद रखेंगे आप, इन्होंने किसकी खोज करी थी, एटम बम की, परमाणु बम की खोज करी थी। और परमाणु बम की बात करें तो ये किस पर काम करता है, ये न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन पर। और यहाँ पर कैसा नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों, यहाँ पर अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। और सबसे पहला जो एटम बम डेवलप किया था वो किसने किया था दोस्तों, पहला जो एटम बम किस देश ने, तो अमेरिका ने। और उसने सबसे पहला यूज़ किया था कहाँ पर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था, जो सबसे पहला जो एटम बम यूज़ किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा एटम बम था जो कि नागासाकी पर यूज़ किया गया था उसका नाम था फैटमैन, है ना। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट सोलर सेल वॉज इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज फ्रिट्स, जेफरसन फ्रिट्स, चार्ल्स फ्रिट्स या फॉन्स्टर फ्रिट्स। फटाफट जवाब दीजिए इसका क्या जवाब होगा। जब सोलर सेल की बात करते हैं तो ये सोलर सेल कई बार पूछा जाता है कि ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना है दोस्तों ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू किस में, तो ये इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे जो इसने खोजा किसने, तो याद रखना है ये खोजा था चार्ल्स फ्रिट्स ने। किसने खोजा था दोस्तों, सोलर सेल यानी सौर बैटरी की खोज चार्ल्स फ्रिट्स ने करी थी। ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन 1902 पेरीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन है जेफरसन साइमन, चार्ल्स साइमन, साइमन लेक या जॉर्ज लेक। फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, पेरीस्कोप को किसने खोजा था। पेरीस्कोप की जब बात करते हैं तो ये पेरीस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी के अंदर की गतिविधियों को देखते हैं। समुद्र के पानी के अंदर की जो गतिविधियां होती है उसे देखा जाता है पेरीस्कोप से। और पेरीस्कोप में कई बार पूछा जाता है किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पेरीस्कोप के अंदर, ठीक है ना। और पेरीस्कोप की जो खोज करने वाले थे वो थे साइमन लेक, जो सी ऑप्शन है आपका दोस्तों साइमन लेक, इन्होंने खोजा था किसे, इन्होंने खोजा था पेरीस्कोप को, क्लियर है ना पॉइंट। तो पेरीस्कोप क्या करता है ये भी हमें पता चल गया, क्या कौन सा दर्पण उसमें यूज़ होता है और उसकी खोजा किसने ये भी हम लोगों ने देखा। और यहाँ से हमें सवाल से ईयर भी पता चल रहा है कि किस साल खोजा गया था, तो 1902 में, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे एक बार, है ना। हम लोग दीपावली के मतलब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट तो हमें पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, और लाइट जो है 8 मिनट 20 सेकेंड में कहाँ पहुँचता है, अर्थ से सन पर,
ये भी हमें पता है अर्थ से सन पर लाइट जो है कितने देर में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, और इसका जो वो है कितना है, स्पीड कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 300,000 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। लाइट की जो सबसे अधिक स्पीड होती है दोस्तों वो किसमें होती है, वो होती है किसमें, वैक्यूम में, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है लाइट की गति, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन आपसे ये पूछा गया है जो लाइट की स्पीड को सबसे पहले मेज़र किसने किया था, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, रॉमर ने, या गैलीलियो ने, तो दोस्तों आपको इसका जवाब पता होगा, इसका जवाब सही जवाब है, दैट इज़ ऑप्शन सी, यानी रॉमर। रॉमर ने ही इसका सबसे पहले क्या पता लगाया, जो सी ऑप्शन है रॉमर, इन्होंने ही सबसे पहले प्रकाश की गति को मेजर किया था, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रॉमर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन के ऊपर। व्हाट गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड, यहाँ पर अब देखिए सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि साइंटिस्ट का नाम रहता है और आपसे पूछ दिया जाता है कि उन्होंने क्या डेवलप किया था, क्या उन्होंने इन्वेंट किया था, किसकी उन्होंने खोज करी थी। ऑप्शन है बैरोमीटर, पेंडुलम क्लॉक, माइक्रोस्कोप, या थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है ना, जिससे हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को या किसी चीज़ के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है, जिससे जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे देखा जाता है। पेंडुलम क्लॉक की बात हम लोग करते हैं जिसमें पेंडुलम होता है, और बैरोमीटर के बारे में पता है कि उससे हम लोग क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है गैलीलियो गैलीली ने इसमें क्या इन्वेंट किया था, तो आप लोगों को इसका जवाब पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है इस प्रश्न को पहले भी, उन्होंने थर्मोमीटर यानी थर्मोमीटर की खोज करने वाले थे, जिसमें जिससे क्या मेजर करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को। और दोस्तों टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है ना, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है केल्विन। क्या होता है बेटा, केल्विन, है ना। और केल्विन की जब बात करते हैं तो 0° केल्विन या -273° सेल्सियस इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य तापमान। और ये भी याद रखेंगे कि जो केल्विन में जब टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, व्हेन वी मेजर टेम्परेचर इन केल्विन, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या उसे हम लोग परम तापमान कहते हैं। क्लियर है यहां तक, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर। Who invented gun powder? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, gun powder यानी जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बारूद, बारूद की खोज किसने करी है। ऑप्शन है जी फर्डिनार्ड वॉन जेपेलिन, ऑप्शन है सर फ्रैंक वटल, रॉजर बैकन, या फिर लियो एच बैकेलैंड। लियो एच बैकेलैंड की बात करते हैं ना दोस्तों, तो इन्होंने बैकेलाइट की खोज करी थी। जो लियो एच बैकेलैंड हैं, उन्होंने बैकेलाइट की खोज करी थी, जिससे बैकेलाइट से ही क्या बना होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह होते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्विचेस, या फिर जो आपका बर्तन के हैंडल जो होते हैं, कुकर का हैंडल हो, या जो मतलब हैंडल जो बर्तन में यूज़ किया जाता है, वो किसका बना होता है, बैकेलाइट का। बैकेलाइट जो होता है ये क्या होता है ना, हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए इसका इसकी खोज किसने करी थी, लियो एच बैकेलैंड ने। यहाँ पर गन पाउडर यानी बारूद की जब बात करते हैं दोस्तों, तो बारूद की खोज करने वाले थे रॉजर बैकन, और इसी बारूद से सबसे पहला जो मतलब विस्फोटक था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामाइट, सबसे पहला जो एक्सप्लोसिव था जिसे डायनामाइट कहते हैं, उसका निर्माण किससे किया गया था, इसी गन पाउडर से किया गया था। और इस डायनामाइट को खोजने वाले कौन थे दोस्तों, तो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पर देखिए जनरेटर है, हम लोगों ने कुछ देर पहले मोटर की बात करी थी, अब यहाँ पर आ गया जनरेटर। जब जनरेटर की बात करते हैं ना, जनरेटर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मोटर क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, मोटर वो इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर रहा था मैकेनिकल में, तो ये इसका जस्ट उल्टा करेगा, मैकेनिकल को किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर।
और इस इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज करने वाले थे दोस्तों वही जिन्होंने मोटर की खोज करी थी, इनका भी नाम है माइकल फैराडे। ये भी याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर, इस सभी की खोज करने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। जब अगर आपसे ये पूछा जाए त्वरित चालक, जो लाइटनिंग कंडक्टर की खोज करने वाले कौन थे, तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक की खोज करने वाले कौन थे दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक की खोज करी थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज करी थी हम लोगों ने देखा, और एडिसन ने किसकी खोज करी थी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी, यानी माइकल फैराडे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड द बैटरी। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है बैटरी की खोज किसने करी है। बैटरी क्या करता है दोस्तों, बैटरी क्या करता है, तो आपको ये पता है कि बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। और जो स्टोरेज बैटरी होता है बेटा, स्टोरेज बैटरी में कौन सी एसिड होती है, तो आपको ये भी पता है स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें किस एसिड का यूज़ किया जाता है। जो संचायक बैटरी होते हैं वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग अम्लों का राजा, किंग ऑफ ऑल एसिड, या जिसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियल या थोथे का तेल, या जिसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं। ठीक है ना, तो बैटरी की खोज करने वाले दोस्तों, यहाँ पर बैटरी से देखिए बैटरी को किस में वो किया जाता है, वोल्ट में। बैटरी की क्षमता जो मेजर करते हैं किस में, वोल्ट में। यहाँ से देखिए वोल्टा है ना, नाम किसके नाम में वोल्टा लगा है, तो ऑप्शन बी एलेसेंड्रो वोल्टा, ए वोल्टा, है ना। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी एलेसेंड्रो वोल्टा, इसका करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक, तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो अगला सवाल, हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड बाय, फटाफट जवाब दीजिए, जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की खोज किसने करी है, ड्रिंकर, ब्रंकेट, कॉपरनिकस या कॉकरेल। हेलीकॉप्टर जानते हैं, हेलीकॉप्टर जो मतलब यूज किया जाता है ट्रैवल के लिए, तो इसकी खोज करने वाले थे दोस्तों, याद रखेंगे इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी, यानी ब्रंकेट ने इसकी खोज करी थी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 24, लिफ्ट वाज इन्वेंटेड बाय, बहुत बढ़िया सवाल है ये। यहां से अभी हाल में रेलवे ने प्रश्न पूछा था लिफ्ट की खोज किसने करी है। लिफ्ट के बारे में आप जानते हैं, कहीं चढ़ने उतरने के लिए, मतलब किसी ऊंचे जगह पर जाने के लिए फिर नीचे आने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं। और हम लोगों ने लिफ्ट में जब जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो भार हमें क्या महसूस होता है, ज्यादा, है ना। जब नीचे जाते हैं तो क्या महसूस होता है, कम। ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे फिजिक्स के अंदर, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो। लेकिन लिफ्ट, जब आप लिफ्ट में चढ़ोगे तो कई जगह आप ओटिस लिखा हुआ देखते हैं। लिफ्ट की कंपनी है एकोटिस, तो याद रखेंगे ओटिस ने ही किसकी खोज करी थी, लिफ्ट की खोज करी थी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी ओटिस। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, टॉर्सेली इन्वेंटेड, बहुत ही बेहतरीन सवाल। टॉर्सेली यानी ई टॉर्सेली की बात की जा रही है। ई टॉर्सेली ने बेटा किसका इन्वेंशन किया था, फटाफट जवाब दो। ई टॉर्सेली ने क्या इन्वेंट किया था, ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप या नॉन ऑफ दिस। तो याद रखना है दोस्तों, ई टॉर्सेली ने किसकी खोज करी थी, बैरोमीटर की, क्योंकि और ई टॉर्सेली कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये इटली के रहने वाले थे। और बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जाता है, किससे, तो इसे करते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो याद रखना है दोस्तों, टाइपराइटर जो है, जो टाइपराइटर के लिए यूज करते हैं, इस टाइपराइटर की खोज करने वाले कौन थे। सॉल्स नामक व्यक्ति ने टाइपराइटर की खोज करी थी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है सॉल्स ने टाइपराइटर की खोज करी थी। और हम लोग चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, लास्ट सवाल जो है, थर्मोफ्लास्क जिसका यूज किसमें किया जाता है, पानी को गर्म रखने के लिए, है ना, पानी को गर्म रखने के लिए जिसका यूज करते हैं, तो याद रखना है थर्मोफ्लास्क की खोज करने वाले कौन थे। तो इसकी खोज करने वाले थे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, डेवर ने खोज करी थी, किसकी, थर्मोफ्लास्क की। यहाँ पर जो जॉन नैपियर हैं, इन्होंने लॉगरिथमिक टेबल की खोज करी थी, ये भी याद रखेंगे, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के मतलब इन्वेंशन से हम लोग इतने अच्छे सवालों को देखा है, लगभग हमें 40 से 50 सवालों के बारे में जानकारियां मिली है, 27 तो बस नाम का देखा, बाकी और भी कई अन्य सवालों के बारे में
देखा है। तो आप लोग अच्छे से आप लोग दिवाली को मनाएं, दिवाली को इंजॉय करें, ठीक है। हमारी तरफ से अड्डा 247 की तरफ से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव ए गुड डे।